और आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए तैयार किए जाने वाले प्रसादम में जानवरों की चर्बी मिलाए जाने की खबर आने के बाद उत्तर प्रदेश खाद्य विभाग ने पिछले 48 घंटे में बांके बिहारी मंदिर, श्रीकृष्ण जन्मभूमि और गोवर्धन मंदिर के बाहर बनी दुकानों में बिक रहे प्रसाद के 13 सैंपल लिए हैं और जांच के लिए उन्हें भेज दिया गया है। समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव ने मथुरा और वृंदावन में प्रसाद में मावे की क्वालिटी पर सवाल उठाए थे और जांच की भी उनकी ओर से मांग की गई थी। और समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव ने मथुरा वृंदावन में प्रसाद की गुणवत्ता पर सवाल खड़े किए हैं, तो वहीं यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने जांच की बात कही। और ये आस्था के साथ खिलवाड़ है और भारत के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ है। इस तरीके का प्रतिबंधित चीज़ों को किसी खाद में मिलावट होना, इसके लिए बड़े कड़े कानून हो। जिस तरीके से भी हम लोगों ने नकल पर रोक लगाया है, उसी तरीके से कड़े कानून आए जिससे कि इस खाद मिलावट में भी रोक लग जाए और इस तरह सजा मिले। और ट्रस्ट जो है एक न्यास होता, न्यास को मतलब विश्वास का के तहत आस्था का केंद्र, और आस्था के साथ खिलवाड़ करना ठीक नहीं है। कि तिरुपति बालाजी के लड्डू में जो एडल्ट्रेशन का मामला आया है, तो ये बहुत ही नाजुक मामला भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे श्रद्धा से जुड़ा हुआ मामला है। और इसी तरह की बात हमारे वृंदावन में भी सुनने को मिली है, जहाँ पे सही किस्म का खोए का इस्तेमाल नहीं हो रहा है या उसमें भी मिलावट हो रही है। तो मैं समझती हूँ कि अब इस डिपार्टमेंट को कुछ काम करना चाहिए, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी है की है, तो उनको पूरी जिम्मेदारी के साथ इस पे काम करवाना चाहिए। और लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर में बाजार से खरीदा गया प्रसाद बैन कर दिया गया है। तिरुपति लड्डू विवाद के बाद मनकामेश्वर मंदिर की महंत दिव्यागिरी ने बाहर से लाए गए प्रसाद को मंदिर में चढ़ाने पर रोक लगा दी है। महंत दिव्यागिरी ने सूचना जारी कर कहा कि भक्त अपने घरों से बनाया प्रसाद या सूखे मेवे ही गर्भगृह में चढ़ाने के लिए पुजारी को दें। ये व्यवस्था सोमवार सुबह से लागू कर दी गई है। जी, आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में मिले हुए मिलावटी प्रसाद के मामले को लेकर आज हम लोगों ने एक नई पहल करी है कि चूँकि मुझे लगता है कि हर खाद्य सामग्री में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की मिलावट अवश्य होती है, और इस भ्रष्टाचार को निरंतर ही हम लोग जो कम करने की कोशिश करते हैं वो बढ़ता ही रहता है। आज एक अच्छी पहल हम लोगों ने ये करी है कि कोशिश करिए, अब देखिए कितना पालन ये लोग कर पाते हैं। गर्भगृह में बाहरी जो प्रसाद आएगा वो अंदर नहीं जाएगा, और आग्रह हम लोगों ने सारे श्रद्धालुओं से, भक्तजनों से और जो भी मंदिर तक आते हैं दर्शन हेतु, उनसे ये आग्रह किया है कि आप लोग घर के बने प्रसाद को लाएं। उसमें कुछ भी प्रसाद हो सकता है, आप हलवा बना लीजिए, खीर बना लीजिए। इसके खिलाफ है, हम तो ऐसा नहीं समझते कि ऐसा कुछ होना चाहिए। और जो भी यहाँ पे प्रसाद वितरण हो रहा है, जो भी बाहर यहाँ पे दुकानें लगी हैं, लोग जहाँ से भी लेके आते हैं, फूड विभाग को यहाँ पे जांच करनी चाहिए क्या सही क्या गलत है। सब जगह पे ऐसा कुछ नहीं होता कि यहाँ वहाँ पे अगर गलत हो रहा तो यहाँ भी ऐसा गलत हो रहा है। तो इसका ये तो गवर्नमेंट को यहाँ की देखना चाहिए कि क्या सही क्या गलत है, वो फैसला वही कर सकते। तिरुपति से मथुरा तक प्रसाद में मिलावट विवाद पर जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने नाराजगी जाहिर की है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और हम सभी हिंदू इसका बदला लेंगे और इनको कठोरतम दंड देंगे। अब जो भी प्रसाद होगा सबका परीक्षण करके ही हम लोग भक्तों को देंगे।